पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम समझाएंगे आपको, पूरी घटना कैसे हुई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कब कब आई। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, दो फाइटर प्लेन की टक्कर की खबर सामने आई, ये डबल फाइटर क्रैश था। उसके बाद कौन से फाइटर जेट थे ये, मिराज और सुखोई, जिसमें मिराज 2000 के पायलट की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई है इस पूरे हादसे में। उड़ान किस लिए थी, दरअसल ग्वालियर में एयर एक्सरसाइज चल रही थी, उसी सिलसिले में दोनों फाइटर जेट निकले थे। कैसे हुई दुर्घटना, बताया ये जा रहा है कि विंग्स टकराने की आशंका है, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन शुरुआती जानकारी यही है। घटना कहाँ हुई, घटना हुई है मध्य प्रदेश के मुरैना में। और पायलट्स का क्या हुआ, ये सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन, दो पायलट जख्मी है, तीसरे के बारे में जानकारी है कि उनकी मौत हो गई है। पायलट्स के बारे में आपको हमने बता दिया, और सभी अभी क्या सिचुएशन है, हालात क्या है, अभी भी वहां पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और कहा जा रहा है कि एयरफोर्स ने भी इस पूरे इंसिडेंट की अब इन्वेस्टिगेशन, जांच के आदेश दे दिए हैं और अब आगे जांच किया जाएगा। शुरुआती जानकारी यही है कि विंग्स टकराए जाने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ होगा। एसपी सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनके पास आऊंगी। एसपी सिंह सर, लगातार हम बात कर रहे हैं इन दोनों फाइटर जेट के बारे में, मिराज 2000 के बारे में भी बात हो रही है और सुखोई के बारे में भी बात हो रही है। मिराज 2000 के बारे में जो आप बता रहे थे कि अभी जो शुरुआती जानकारी है कि विंग्स टकराने की वजह से यह हादसा हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये पता चल पा रहा है कि हादसा बहुत ही भयानक रहा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में पायलट की मनोस्थिति क्या होती है, किस तरीके से लैंडिंग कराई जाए, क्योंकि सूझबूझ का इस्तेमाल यहाँ पर पायलट्स ने किया है, जंगल वाले इलाके में लैंडिंग की गई, अगर रिहायशी इलाके में लैंडिंग होती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। अजी आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मैं कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले जो पायलट शहीद हो गए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहूंगा कि ये बड़ा दुख का विषय है कि हमने एक बड़ा एक्सपीरियंस पायलट खो दिया है। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। देखिए मैं खुद निरीक्षण कर चुका हूँ, जब भी ऐसे वक्त आता है, जिसमें आपका मिडो अमेरिका केस में ऐसा नहीं था, सिर्फ इंजन ब्रेकडाउन हुआ था, जब पायलट के पास अगर समय होता है तो हमेशा उसकी कोशिश होती है, जहाज खराब होने के बावजूद भी वो आसपास नजर उसके सामने होता है कि कोई नीचे किसी ग्राउंड पर किसी को नुकसान ना पहुंचे, और पायलट अपने जहाज को एक पर्टिकुलर दिशा में मोड़ के, ताकि आप बिल्टअप एरिया जो लोग जहां पर रहते हैं उससे दूर अपने जहाज को पॉइंट आउट करके फिर आप इजेक्शन करें। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हर पायलट कोशिश करता है, लेकिन कई बार पायलट को ऐसा, जैसे हादसा ये हुआ है, मेरे हिसाब से शायद उनको समय नहीं मिला होगा, बिकॉज देखिए दोनों जहाज जो है करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं, और उससे अगर आपस में क्रैश हुआ तो बहुत हाई स्पीड में क्रैश हुआ होगा, और उसमें पायलट को शायद समय मिला या नहीं मिला मैं नहीं बता सकता, वो इंक्वायरी आपको बताएगी किस स्पीड पर हुआ अटैक, लेकिन अगर उनको समय मिला होगा तो डेफिनेटली उन्होंने अपना जहाज को दोनों गांव के, दोनों जो कस्बे थे उनके बीच में पॉइंट आउट करके इजेक्ट किया होगा। ये सिंह साहब बहुत ही दुखद बात है कि एक पायलट शहीद हो गए इस जबरदस्त दुर्घटनाग्रस्त, जो ये हादसा हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गए दोनों फाइटर जेट्स। आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं जब खुद विमान के अंदर थे, फाइटर जेट के अंदर थे, और वो बॉम्बिंग मिशन या वो प्रक्रिया जो चल रही थी, एक जो आम व्यक्ति अभी हमारे साथ जुड़ा है, अभी एक दर्शक जुड़ा है, वो ये जरूर सोच रहा होगा कि आखिर ये कौन सा मिशन होता है जो पायलट्स आसमान में बॉम्बिंग मिशन करते हैं, इस एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा समझाइए। देखिए मिराज 2000 एक बॉम्बर है, और जो प्राइमरी रोल जिसका होता है कि जब वो पैक में जाएंगे, यानी कि चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, बालाकोट में भी इनफैक्ट मिराज 2000 फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया गया था बॉम्ब स्टॉप करने के लिए, और जनरली कभी भी कोई एक टाइप का एयरक्राफ्ट किसी भी मिशन में नहीं होता है, वो एक बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, एक पैक होता है, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 18 हो, वो मिशन के हिसाब से और जो दुश्मन की क्षमता है उसके हिसाब से तय किया जाता है, और इसीलिए सुखोई 30M क्या है, जो कि हैवी कैटेगरी फाइटर जेट है, और मिराज 2000 जो कि प्राइमरीली एक बॉम्बर है, ये दोनों ही इस ऑपरेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा थे, और ऐसा लग रहा है, जनरली हम देखते हैं कि अगर हम गूगल पर देखेंगे तो ऐसा आपको डिस्टेंस लगेगा कि शायद 100 किलोमीटर है, लेकिन वो 100 किलोमीटर प्राइमरीली वो सेंटर्स को लेकर हो सकता है, शहरों के बीच में सेंटर में, और ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान और MP के बीच में, और इसीलिए जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली
भी 100 किलोमीटर दूर ही जाकर गिरा हो। जो एयरफोर्स से मेरी सोर्सेज से मेरी कुछ समय पहले बात हुई वो काफी नजदीक है, और आशीष बताया भी जा रहा है कि भरतपुर के पास ये जो मलबा है, जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ये भरतपुर के पास एग्जैक्टली ऐसी जो इन्फॉर्मेशन वो सामने आ रही है। डीके पांडे सर, देखिए इससे पहले जब डिफेंस एक्सपर्ट राजन कोचर सर भी हमारे साथ, उन्होंने जिक्र किया था 2021 का भी जिक्र किया अक्टूबर का, जब मिराज में टेक्निकल ग्लिच की बात सामने आई थी, क्रैश हुआ था 2007 में ही, मुरैना में ही टेक्निकल ग्लिच की ही बात सामने आई थी, और एक और क्रैश मिराज 2000 का ही सामने आया था। ये कितना कंसर्निंग है, ये कितना चिंता का विषय है, और क्योंकि आज भी एक सुखोई है MKI और दूसरा मिराज 2000। पांडे सर देखिए, जहां तक बात है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट का, इसमें कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग प्रणाली, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इस टाइप की होती है कि आप जो भी जहाज आपको दिया गया आप उड़ा रहे हैं उसमें आप सक्षम हैं, और कैसे आप बेहतर होंगे, कैसे आपको तराशा जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाता है।